महीने पहले की बात है, दादा बार बार नॉट रीचेबल हो रहे थे। दादा यानी कि अजीत पवार। 18 अप्रैल को चचेरी बहन सुप्रिया सूले से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या अजीत दादा बीजेपी के साथ जाएंगे। सुप्रिया का जवाब था कि इस वक्त मेरे पास गॉसिप के लिए वक्त नहीं है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे पास बहुत सारे काम है, मेहनत करने वाले नेता हूँ तो अजीत दादा को हर कोई चाहता है। इस बयान को 2.5 महीने नहीं हुए थे कि दादा ने शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी। दादा अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार का हिस्सा है, ओहदा मिला है वित्त मंत्री का, यानी कि तिजोरी की चाबी अब अजीत पवार के पास है। अब उद्धव ठाकरे ने अजीत पवार से मुलाकात की है। महाराष्ट्र में चल रही सियासी हलचल के बीच इसके क्या मायने हैं और क्या उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के पुराने घाव को कुरेदने की कोशिश की है, आइए जानते हैं। आखिर अजीत पवार से मिलकर उद्धव ठाकरे ने कैसे एकनाथ शिंदे को चोट पहुंचाई है, ये समझने के लिए पहले उद्धव ठाकरे का ये बयान बताते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैंने अजीत पवार के साथ काम किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र के लोगों को मदद मिलेगी, क्योंकि खजाने की चाबी अब उनके पास है। फिलहाल तो सत्ता की लूट खसोट चल रही है, उसके मुकाबले राज्य के मुद्दे अहम हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे का अजीत पवार से मिलना एकनाथ शिंदे के जख्मों पर नमक की तरह है? इसका जवाब जानना मुश्किल नहीं है। दरअसल जब उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार में अजीत पवार वित्त मंत्री थे तो उन पर शिंदे खेमे के विधायक फंड आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाते थे। तमाम विधायकों के उद्धव से नाता तोड़ने की ये एक बड़ी वजह भी थी। अघाड़ी सरकार में शरद पवार और एनसीपी के नेताओं की बात ज्यादा सुनी जाती थी। जब एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के दर्जनों विधायक गए तो उनका ये दर्द बाहर आया था। और अब समय का चक्र एक बार फिर घूमा है, वित्त मंत्री का पद अजीत पवार के पास आया है। ऐसे में जब शिंदे गुट के विधायक उनसे फंड की मांग करेंगे तो क्या उनकी बात को तवज्जो दिया जाएगा? शिंदे के विधायकों की मांग मानी जाएगी या नहीं? महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी अभी ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने अजीत पवार से मुलाकात कर कहीं ना कहीं शिंदे के खेमे को चिढ़ाने का भी प्रयास किया है। जो अजीत पवार उद्धव के वित्त मंत्री रहते हुए शिंदे के समर्थक विधायकों की बात को अनसुना कर देते थे, क्या वो फंड के मामले में आसानी से डिमांड पूरी कर देंगे? हालांकि ये भी सच है कि एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री हैं और उनके गुट के विधायकों की मांग खारिज करना इतना आसान नहीं होगा। दरअसल शिंदे गुट नहीं चाहता था कि वित्त विभाग किसी भी सूरत में अजीत पवार को मिले। संजय राउत के दावे पर यकीन करें तो अजीत पवार को वित्त मंत्री का पद मिलने से रोकने के लिए शिंदे गुट दिल्ली गया था। राउत ने तो ये भी बताया कि दिल्ली में शिंदे खेमे की बात किसी ने नहीं सुनी। उल्टा शिंदे गुट से साफ तौर पर कह दिया गया कि अगर आप साथ रहना चाहते हैं तो रहिए, नहीं तो जाने के लिए स्वतंत्र हैं। राउत के मुताबिक एक और प्रस्ताव शिंदे गुट के सामने रखा गया था। इसमें कहा गया था कि अगर आप चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय अजीत पवार को ना सौंपा जाए तो इसे रख लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी अजीत पवार को दे दीजिए। राउत का दावा है कि इसके बाद शिंदे गुट के विधायक मायूस होकर चुपचाप दिल्ली से लौट आए और अजीत पवार के वित्त मंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। अजीत पवार ने जब 2019 में पहली बार शरद पवार से बगावत की थी उस वक्त उनके पास गिने चुने विधायक ही थे, लेकिन अब अजीत पवार के पास 31 विधायकों की ताकत है। दावा तो 43 विधायकों तक का भी है और ऐसे में अगर अजीत पवार इन विधायकों को अपने साथ बरकरार रखना चाहते हैं तो उन्हें ताकत देना जरूरी होगा। इसके साथ ही दादा अपने चाचा शरद पवार खेमे के दूसरे विधायकों को भी पाले में लेने की कोशिश करेंगे। अब तक सत्ता में आधी आधी हिस्सेदारी थी, लेकिन तीसरे यानी अजीत पवार खेमे के आने से शिंदे गुट परेशान है। सूत्रों की माने तो शिंदे गुट के विधायकों ने सीएम पर दबाव भी डाला कि किसी तरह वित्त मंत्री का पद उधर न जाए। आखिरकार मुख्यमंत्री शिंदे ने ऊपर से आदेश है बताकर विधायकों को चुप करा दिया। बीजेपी के मिशन 2024 में महाराष्ट्र अहम है, यहाँ लोकसभा की 48 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन में लड़ते हुए 41 सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार चुनौतियाँ बिल्कुल अलग हैं। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों मराठा नेता हैं। बीजेपी को संतुलन बनाते हुए चुनावी मैदान में उतरना होगा। बीजेपी ने महाराष्ट्र की दो बड़ी क्षेत्रीय ताकतों शिवसेना और एनसीपी में बड़ी सेंध तो लगा दी है, लेकिन चुनाव में चेहरे की भी अहमियत होती है। आपको बता दें कि ये भी छिपा नहीं है कि शरद पवार मराठवाड़ा ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में एनसीपी का सबसे बड़ा चेहरा है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद हुए कुछ सर्वे बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति बढ़ी है, जिसका उन्हें लाभ मिल सकता है। तो ऐसे में बीजेपी को दोनों मराठा क्षत्रपों को एकजुट रखते हुए फूक फूक कर कदम बढ़ाना होगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।